यो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम में हमने कुछ ढूंढे थे डिजर्ट टेंपल्स, तो उसमें से हमें बहुत ज़्यादा लूट मिल गई थी। तो आज हम क्या करने वाले कि आज हमने लूट ली थी और हमारे पास चेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, तो आज हम करने वाले कि चेस्ट हाउस बनाएंगे हम। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो बिना फेस कैम के चालू करते हैं हमारी आज का वीडियो। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि हम चेस्ट हाउस बनाने वाले हैं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें जाना पड़ेगा डिजर्ट में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सैंड नहीं है। तो यहाँ पर भूख लगी है, पहले प्लेयर को कुछ खिला देते हैं हमारे, और उसके बाद हमें डिज़र्ट में भी जाना है तो उसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। और ये माइक को क्या हो रहा है मेरे? हाँ, तो डिज़र्ट में भी जाना है हमें, तो उसका भी हमें यहाँ से सैंड ले लेते ना, सैंड स्टोन और कट सैंड स्टोन। ये वाली सैंड मुझे पसंद आ रही है यार, इसको बनाएंगे हम ये वाली सैंड। तो कट सेंट्स हमारे पास इतनी सारी, और हमें जो कल जो मिला था ना सामान, उसको पहले हम सारा चेस्ट में रखते हैं। जो गोल्ड होगा गोल्ड की चेस्ट में जाएगा, आयरन होगा आयरन की चेस्ट में जाएगा, और हमारे पास 2 एक स्टॉक और 2 एमराल्ड हो चुके हैं। एमराल्ड की अभी हम ट्रेडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पे पहले सामान रख लेते, जल्दी से जा कर वहाँ सामान रखते पहले। और यहाँ पर हमारे पास फूड, हाँ, तो यहाँ पर बेड की ज़रूरत नहीं, बेड तो लगेगा ना हमें, तो यहाँ पर वीट रख देते हम। और अभी आगे मेरे पास एक बुक है यार, तो यहाँ से पहले फूड ले लेते जल्दी से। 18 और ये 20 फूड हो चुका है हमारे पास अभी। कुक्ड मटन और रॉ बीफ को लगा देते हैं यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर लगा देते रॉ मटन, तो जल्दी से इसको मार देते यार। ये कासल में आ गया भाई हमारे, ओह एक ही बारी में चला गया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभी यहाँ पर रख देते हैं हम अपना सामान, स्टोर करते हैं जल्दी से यहाँ पर। कहाँ गए चेस्ट? हाँ, सैंड चेस्ट ऊपर ही है ना? नहीं यार, हाँ ये इसमें कॉबल स्टोन वगैरह रखना था मुझे, स्टोन कॉबल स्टोन वगैरह, तो इसको रख देते हैं जल्दी से। स्टोन स्लैब्स हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा। हाँ, तो यहाँ पे और यहाँ से रख देते वुड को, वुड की जगह पर। हाँ, गन पाउडर नहीं यार, इसके गन पाउडर का अलग स्पेस है एक। और गोल्डन एप्पल को भी इधर रखेंगे, जो कि हमें वहीं से मिले थे, जो डिज़र्ट टेम्पल एक्सप्लोर किया था हमने वहीं से हमको मिले थे वो। और यहाँ पर फालतू सामान, स्ट्रिंग वगैरह। हाँ, गन पाउडर 42 हो चुके हैं हमारे पास अभी। और पहले शॉट को इंचांट कर लेते हैं यार, फायर एक्सेप्ट लगा देते इसके ऊपर, जो कि हमें मिली है यहाँ से। Protection 2 और Fire Accept 1 मिली है भाई हमें, तो इसको लगा देते जल्दी से। एनविल पर चलते और यहाँ पर रख देते इसको। लेवल कोस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा, इसे 5 लेवल कोस्ट लगे हैं सिर्फ हमें, 5 लेवल लगे हमें सिर्फ। और इसको हाँ यहाँ से चलते अभी बाहर। और घोड़, हमने जो पिछले टाइम हॉर्स टेम किया था ना, उसको हमें अभी यहाँ पे पहले सामान रख देते, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो सामान रखने के बाद हम जाएंगे अभी बाहर। और डायमंड देख सकते हो आप लोग, पिछले टाइम हमने माइन किया था तो 2 ब्लॉक्स डायमंड हो चुके थे, तब से हमें माइन पर जाना ही नहीं पड़ा, और आयरन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम क्या करने वाले, अभी सैंड सारी ले लेंगे यहाँ से यार, और यहाँ से बना लेंगे इसको कट सैंड, और इसको ओपन कर लेते। हाँ, ये कट सैंड्स बन रही है यहाँ पर हमारी, पहले ये बनाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो पहले ये बनाकर हमें कट सैंड्स मिलने वाली है, और यहाँ पर 2 स्टॉक हो चुके हैं। और ये सैंड स्टोन प्लस सैंड स्टोन, 4 सैंड स्टोन मना मिलाकर हमें एक कट सैंड मिलने वाली है। और अभी नाइट भी हो रही है, तो पहले फटाफट से सो जाते, उसके बाद हम जाएंगे सैंड ढूंढने के लिए। और अभी नाइट भी नहीं हो रही यार, तो देखते हैं। हाँ, तो नाइट हो चुकी है फाइनली और हम सो चुके हैं यहाँ पर, तो मॉर्निंग भी हो चुकी है। जल्दी से चलते हैं बाहर की साइड और जाते हैं सैंड ढूंढने के लिए यार। क्या और क्या कर रहा हूँ मैं अभी। और ये देखो, लास्ट टाइम हमने हॉर्स टेम किया था, तो पहले इसको ले। हाँ, तो पहले हमें ये डोंकी भी लेकर आए थे यार हम,
नहीं तो इसको नहीं लेना है, इसको लीड नहीं करना है हमें, इसको लेकर जाना है हमें। और यही आगे चल के मुझे दिक्कत देने वाला है, देखना आप लोग लास्ट तक, आपको पता चलेगा कि ये क्यों दिक्कत दे रहा था हमें। नहीं इसको रहने देते यार, ये बेचारे ने कुछ नहीं किया हमारा। और चलो जल्दी से, इसकी स्पीड कितनी कम है यार। ओ भाई, इससे अच्छा तो मैं पैदल चला जाता, इसकी स्पीड भी कम है। तो ये वाले हॉर्स यार, हमारा ओपी रहा ठीक था यार जो हमने लाइव स्ट्रीम में खो दिया। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अभी कहाँ पर, ये हाँ ये डिजर्ट वाले, ये हाँ। तो आगे देख सकते हो आप लोग, सैंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और मैंने थोड़ा बहुत अपना सामान अपनी चेस्ट में भी रख दिया था, सैंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और आगे की साइड चलते हैं अभी। ये रेड रेड क्यों लग रहा है यार ये यहाँ पर? अच्छा तो आप पता चला, यहाँ पर एक नेदर पोर्टल होता है यार, उसके साइड में एक चेस्ट मिलती है हमें, और यहाँ पर पहले इसको बांध देते हैं। और ये देखो हॉर्स लिया था मैंने, बीच में वो हॉर्स ठीक से नहीं चल रहा था इसलिए मैंने वो हॉर्स को मार दिया, और ये हॉर्स को टेम कर लिया। और यहाँ से इसको तोड़ते जल्दी से। ओ भाई कितनी फास्ट हो रहा है यार हमारी पिकेक्स, पिकेक्स से कितनी फास्ट हो रहा है हमारी। तो इसको जल्दी से तोड़ते, और यहाँ पर क्रैंग ऑप्सीडन, क्रैंग ही होते हैं ना, क्रैंग ऑप्सीडेंस है यहाँ पर, तो इसको भी तोड़ दिया हमने। हाँ जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सही है कि इसके नीचे हमें चेस्ट मिलती है एक, तो जल्दी से चलते हैं चेस्ट को कलेक्ट कर लेंगे, इसको तोड़ देते हैं जल्दी से। यहीं कहीं पर होती है वो, कोने में ही रखी होती है, तो हाँ यहीं पर कोने में ही रखी होती है वो। और देखते हैं इसमें नेदर बोटल मिला तो हमारी किस्मत, नहीं मिला तो फिर चेस्ट नहीं होगी यहाँ पर। और इसको जल्दी से तोड़ते, तो यहाँ पर हाँ तो यहाँ पर मिलना चाहिए यार वैसे। हाँ तो नेदर पोर्टल है भाई इधर, और नीचे ये क्या मैग्मा ब्लॉक का डैमेज मिल रहा था भाई मुझे। तो फाइनली यहाँ पर नेदर पोर्टल और चेस्ट भी है भाई, ये देखो चेस्ट भी यहाँ पर, जैसा बोला था ना भाई मैंने, चेस्ट भी है यहाँ पर। और हमें गोल्डन बूट्स, आयरन नगेट्स मिल गए, और एक गोल्डन पिकैक्स स्माइट 5 भाई, और ओ भाई गोल्डन हॉर्स आर्मर भी मिल गया। और यहाँ से ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेते पहले थोड़ा सा, और ये ऑब्सिडियन भी टूट गया। और यहाँ से थोड़ा सा नेदर रैक कलेक्ट कर लेते हाँ। और ये यहाँ से, तो इसके इतने की कुछ नीड नहीं है यार, तो मैं नहीं, हमें सिर्फ सैंड ही कलेक्ट कर लाना है, तो यहाँ से इतना सारा तोड़ लेते तो बस भाई, इतना ही तोड़ना था हमें, इतना ही कलेक्ट करना था। तो अभी मैग्मा ब्लॉक, हाँ मैग्मा ब्लॉक बहुत ज़्यादा डायमंड दे रहे हैं यार। तो अभी फाइनली हमने इतना तो तोड़ दिया है, तोड़ कर कलेक्ट कर लिया हमने, और अभी जाएंगे इसको ओपीरा को, पहले भूख लगी है भाई। हाँ तो ओपीरा को यहाँ से छुड़ा लेंगे, और चल भाई। और यहाँ से नहीं, हमारे पास वो वाली नहीं है ना यार, हाँ ये नहीं है ना हमारे पास, तो इसको तोड़ देते जल्दी से। टूट क्यों नहीं रहा है यार? ओ भाई वुड तो टूटने के लिए इतना टाइम लगा रही है भाई। यहाँ से हाँ एक्स ले लेते जल्दी से, और एक्स से टूटेगा क्या? हाँ तो फाइनली टूट गया गाई से, और कलेक्ट भी हो चुका है हमारे पास। तो चलते हैं जल्दी से हम सैंड कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ से रास्ता, वो सारा पानी है यार यहाँ पे, तो मिल जाएगा रास्ता। रास्ते का इतना कोई टेंशन नहीं है, रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल पूरा मार जाए मान जाएंगे भाई, तो रास्ते की परवाह नहीं करना है हमें। तो चलते हैं जल्दी से यहाँ से, रास्ता छोटा किधर से वो देखना पड़ेगा मुझे, तो रास्ते की उतनी परवाह नहीं करनी कि मंजिल तक पहुँचे ही ना। और यहाँ से लीड ले लेते हैं, इसको हॉर्स को बांध कर लेके जाएंगे पानी में से। तू क्यों आ गया भाई यार? हाँ चलो, ये हॉर्स बहुत पसंद आया भाई मुझे, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है बहुत, वो जो हॉर्स चढ़ रहा था ना उससे दुगनी स्पीड है, मगर ये सुनता नहीं है यार किसी की। देखो अभी आ रहा है, और ये जब भी इसको छोड़ो ना ये भी गायब हो जाएगा ओपी रह की तरह। और चलते इसको आगे की साइड में लेकर। तो ये जगह बेस्ट होगी यार मुझे तो लग रहा है, देखते इसको कहाँ बांधना है हमें उसके बाद। हाँ यहीं पर बांधते हो, जो सामने वाला जो सारा माउंटेन है ना उसको तोड़ देंगे पहले इसको। हाँ वो सामने वाला जो अभी क्रॉसियर था ना मेरा उसके ऊपर, ये देखो सामने ही हमारे, उसको सारे को तोड़ देना है हमें, सारे को सारे को, सारा की सारा माउंटेन तोड़ना है हमें। और पहले इससे हाँ, तो यार अभी हमारे पास वो नहीं है ना, हाथ से भी नहीं तोड़ सकते हम, तो
तो पहले मुझे क्या करने पड़ेगा, कॉबल स्टोन लेना पड़ेगा, कॉबल स्टोन। उसके बाद ही हम स्टोन की शवल बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं कॉबल स्टोन ढूंढने के लिए। तो पहले मुझे वुड की, हाँ मेरे पिकेक्स पे है ना सिल्क टच लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वुड की पिकेक्स बनाकर कॉबल स्टोन तोड़ना पड़ेगा। तो पहले हाँ यहाँ पर ट्री एक है, इसको तोड़ देते हैं जल्दी से। और हम क्या करते हैं ना कि वुड की वो बना लेते, शवल बना लेते वुड की, जल्दी से इसको तोड़ कर कलेक्ट कर लेते हैं। और वुड की शवल भी बनाना है हमें, ये वाला भी तोड़ देंगे, कोई नहीं हम बाद में आकर लेकर जाएंगे यार। ये ट्री बहुत मस्त लगते हैं इसका। तो पहले प्लैंक्स बना लेते हैं इसके, और एक क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रख देते। और यहाँ से एक पिकैक्स बना लेते थोड़े स्टिक्स बनाकर। हाँ तो एक ही पिकैक्स बनाएंगे हम, तीन तीन नए बनाना में। हाँ तो पिकैक्स बन चुकी है, और यहाँ से सामने से एक कॉबलस्टोन तोड़ लेते हम। सिर्फ दो तीन चाहिए होगी हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ से तोड़ देते जल्दी से। कॉबलस्टोन सारे ले लेंगे यहाँ से। और तो इतने ठीक हो गए यार, इतने बस हो गए इतने। हाँ तो इतने काफ़ी है। तो अभी क्या करते हैं ना कि हम इससे शवल बना लेते हैं, शवल बनाकर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो शवल की रेसिपी, हाँ तो शवल एक दो तीन, तीन शवल इतने काफ़ी हो गए यार, तीन शवल बस हो जाएंगे, तीन शवल। तो शवल को नीचे ले लेते पहले, और नाइट भी होने वाली, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा अपने। तो ये फेंक देते हम, इसकी ज़रूरत इतनी नीड नहीं है यार इसकी। हाँ इसकी नीड नहीं, ऑब्सीडन की रहेंगे, ऑब्सीडन वगैरह की। और सारा सामान वापस से कलेक्ट हो गया मेरे पास, तो इसको यहीं पर फेंकना पड़ेगा यार, वाटर में, पानी में, देख सकते हो। और यहाँ से सारा फेंक देते हैं इसको, ये भी फेंक दो, ये भी फेंक दो, ये भी, ये भी, ये भी, इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है। और कॉबल स्टोन वगैरह इतना रहने देते, कॉबल स्टोन को फेंक देते, कॉबल स्टोन की भी उतनी नीड नहीं है हमें। और चलते अभी जल्दी से अपने ओपी हीरा के भाई के पास यार। ओपी हीरा तो चला गया यार नेक्स्ट वाली लाइव स्ट्रीम में, कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो इसका भी नाम ओपी हीरा ही रखेंगे हम। और जो सामने जो दिख रहा होगा आपको, वो जो टेम्पल, वो भी हमने एक्सप्लोर किया था, वो देखो टूटा टूटा लग रहा होगा आप लोगों को, सारा एक्सप्लोर किया था हमने, उतने टेंशन की बात नहीं है। जो जो लोगों ने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी या फिर पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे, तो यार चेकआउट कर लो जाकर, क्योंकि हमने सारा एक्सप्लोर किया था। हमने लाइव स्ट्रीम में एक नहीं, दो दो डिजर्ट टेम्पल ढूंढे थे। तो पहले यहाँ पर सो जाते यार, नाइट भी हो रही है, तो फर्स्ट नाइट, तो 2 दिन से 3 दिन से सिर्फ हम सो ही सो रहे हैं, और काम कुछ नहीं किया एक पैसे का। तो यहाँ पर हमारे ओपी राय के भाई के पास यहाँ पर डाल देते अपना बिस्तर, और रैबिट है ना। हाँ तो फायर आग से देखो क्या। हाँ तो इससे कुक्ड मटन मिलता है, जो भी मारो। हाँ नहीं खा सकते ना हम इसको, तो जल्दी से सो जाते हैं। और एक सुहानी सुबह माइनक्राफ्ट में, तो आ चुके हैं हम माइनक्राफ्ट में। और अभी क्या करते हैं ना कि सारा सा माउंटेन तोड़ देते हम। तो जल्दी से मैं माउंटेन तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ से देखो स्टोन पिकेक से, स्टोन शवल से कितनी फास्ट उड़ रहे, तो इसको सारा तोड़ देते हैं जल्दी से। और तोड़ कर कलेक्ट कर लेते हैं, बताता हूँ मैं आपको लास्ट में कि मेरे पास कितने हुए। और क्योंकि मैं इसको ऐसे ही तोड़ते कलेक्ट करते बताते बैठा ना भाई, वीडियो एक खर्च का बन जाएगा और आप लोग नहीं देखोगे। टोटल 1 घंटे का वीडियो है, और ये 1.5 घंटे की नहीं, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग 2 घंटे की, हाँ शायद 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है। और मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा सा बताने बैठ गया ना यार, ये सब 2 घंटे की वीडियो देखना पड़ेगा भाई तुम लोगों को, नहीं देखोगे तो फिर ठीक बात नहीं रहेगी। और जो भी चैनल पर न्यू, रुको रुको, जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार प्यारा सा। तुम्हारा भाई आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहता है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार भाई को। तो वीडियो को अभी मैं क्या करता हूँ ना कि सारा तोड़ लेता हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि हमने कितना सारा सेंड कलेक्ट किया है, उसको कट भी कर लेते साथ ही साथ। और सो फाइनली गाइस, हमने यहाँ पर सारा का सारा माउंटेन तोड़ दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि
सारे का सारा कट स्टोन और वगैरह वगैरह जो भी था सैंड वगैरह हमारे पास वो सारा आ चुका है, और मैंने यहाँ पर सारे कट सैंड स्टोन बना दिए, और जिसको जल्दी से चलते जितना बचा हुआ है उतना भी सारा स्टोन में कट स्टोन में कन्वर्ट करना है हमें। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 स्टॉक हो चुके हैं हमारे पास अभी कंप्लीट। और इसको तोड़ देते हैं जल्दी से और निकलते अपने कासल की ओर। हाँ तो इसको कलेक्ट कर लो जल्दी से और चलते अपने कासल की ओर। अभी यहाँ से तोड़ दिया हमने, इसको भी तोड़ देते हैं। ओहो भाई हवा में रह गई यार लीड, तो जल्दी से चलते सारा फेंक दो यार, क्या करना है हमें। तो कोई नहीं, बेड को उठा देते हैं यहाँ से, आयरन नगेट फेंक देते हैं हम। ओ फिर से नगेट कलेक्ट हो गया है। हाँ तो बेड कलेक्ट हो चुका है अभी, और चलते। ओ भाई मैं गलती कर दी, फिर से वही गलती करने जा रहा था जो मैंने ओपी हीरा के साथ की थी गलती। और इसको हाँ तो ऊपर रख देते और हाथ में हमारे एक्स ले लेते हैं यहाँ से, और चलते अभी अपने ओपी वाले मॉडर्न हाउस की ओर। क्योंकि जो हमारा चेस्ट हाउस होगा ना वो मॉडर्न हाउस की ओर ही आएगा, क्योंकि हमारे कासल में उतनी ज़्यादा जगह नहीं है। हम बनाएंगे कासल में भी एक चेस्ट हाउस, मगर जो बनाएंगे ना वो रियल चेस्ट हाउस के ऊपर होगा। तो जल्दी से चलते अपने कासल में, मैं मिलता हूँ आपको अपने कासल में, क्योंकि यहाँ से भटकते भटकने जाना पड़ेगा यार, बहुत मुश्किल होगा। तो फटाफट से चलते अपने कासल में, और सामने शुगर केन बहुत सारा लग रहा है यहाँ पर, शुगर केन भी लेकर जाना पड़ेगा। तो चलो यार चलते हैं जल्दी से अपने कासल में। तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ से सारी डर्ट भी क्लीन कर दिए मैंने, और यहाँ पर सिर्फ हमें सैंड लगाकर चेस्ट हाउस बनाने का काम है सिर्फ। और यहाँ से जल्दी से सैंड कट सैंड सामने पूरी ले लेते यार, क्योंकि अभी हमें पिकैक्स वगैरह का कोई काम नहीं है। तो सैंड वगैरह को सामने ले लेते कट सैंड को, और इतनी हाँ तो सारा हमने देख सकते हो आप लोग की सारी हमारी इन्वेंट्री सामने हैंड में जो है सारी कट सैंड्स आ चुके। तो यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट कर देते हम, और इतनी बड़ी चेस्ट आएगी क्या, तो देखते हैं पहले कितना साइज़ हो रहा है इसका साइड से, उस हिसाब से हम चेस्ट हाउस बनाएंगे। और सारा सैंड का ही होगा, और इसको यहाँ से हाँ तो इसको एक ब्लॉक दो ब्लॉक आगे करते हैं इसको, ठीक है इतना ठीक रहेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इतना ही बनाए यार ये, यहाँ से ही बनाते, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो चेस्ट हाउस। तो यहाँ से इसको कवर कर लेते यार, तो हमें अंदर की साइड से भी कवर करना है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ अंदर की साइड कवर करता हूँ, वायर का सारा तोड़कर आपसे मिलता हूँ फटाफट से 2 मिनट के बाद। तो फाइनली गाइस हमने जो है यहाँ पर सारा सा सारा कवर कर लिया है यहाँ पर, और इसको तोड़ देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पर ये जो सारा ऊपर का भी है ना इसको भी तोड़ देते हैं जल्दी से, और जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना सैंड उसको भी जल्दी से तोड़ देते हैं यहाँ पर हम। और ये हमारा हॉर्स जो न्यू टेम किया था हमने, इसका नाम तो ओपी राय रखूँगा मैं, क्योंकि हमारा ओपी राय जो है वो डिज़र्ट बायोम में ही गुम हो गया था, और हमने इसको डिज़र्ट बायोम में ही पकड़ा है। तो ये सब लोगों को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा ओपी रहा तो यार मिलने से रहा, तो उतना भी एक्साइट नहीं होना। तो अभी इसके ऊपर लगाते हम 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक्स ठीक रहेंगे, क्योंकि चेस्ट हाउस है यार। क्योंकि दो लेयर जो आएंगे ना इसके, वो आएंगे कट सैंड सैंड स्टोन, हाँ सैंड स्टोन से आएंगे, क्योंकि ये सारा कट सैंड स्टोन है। तो इसको जल्दी से ऊपर लेना है। हाँ तो इसको यहाँ पर लगा दिया, तो इसको ऐसे ही लगाते चलना है, और जल्दी जल्दी इसको लगा लेते हैं, सारा कवर करना है। उसके बाद हमें ऊपर की साइड में जो है सामने से ही 2 लेयर लेना पड़ेगा हमें, तो इसको जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं यार, जितना टाइम बचेगा उतना सही है मेरा भाई, समझते रहो, क्योंकि तुम्हारा टाइम बच रहा है। वीडियो आप लोग आगे भगा भगा कर देखते रहोगे। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ ना, इसको कट कर देता हूँ ये वाले पार्ट को, और जल्दी से मैं सारा लगा कर, और सामने का जो नहीं सिर्फ मैं जो लेयर उठा रहा हूँ ना, तो सिर्फ इतनी उठाऊँगा, और सामने जो है ना वो 2 ब्लॉक का मैं आपको बताऊँगा, टेंशन मत लो आप लोग। तो जल्दी से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं।
तो यहाँ से थोड़े बहुत कट सैंडस्टोन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। हाँ सैंडस्टोन ले लेता हूँ, कट नहीं। तो जल्दी से चलते हैं हम, अभी ऊपर की लेयर कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। हाँ तो यहाँ पर जो है ना वो चेस्ट के बटन आएंगे, तो यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं ऊपर ले लेता हूँ अभी ये सारे। हाँ इससे ही ऊपर जाएंगे हम, और यहाँ से दो ब्लॉक मुझे टिक करना है नीचे, तो दो ब्लॉक ले लेते हैं। हाँ तो यहाँ से, हाँ तो सही जा रहा है हमारा। और ओ भाई कितनी रफ्तार है देख रहे हो हमारी इसमें, पिकैक्स में, और नीचे का टूट गया, तो इसको जल्दी से लगा दिया हूँ मैंने, और इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं यार। दो लेयर लेना है सिर्फ हमें। हाँ दो ब्लॉक, एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक ऊपर, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और आगे की साइड में हमें जंप जंप, ओ भाई सक्सेसफुली जंप हो चुके हमारे। और यहाँ से भी लगाना है हमें दो ब्लॉक, और इसके आगे, हाँ तो इसके आगे भी दो ब्लॉक्स लेने हमें, दो दो दो, तो इतना ठीक है। तो यहाँ से इसको भी फिल करना है हमें, और यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो चुकी है जो ये वाली सैंड है ना, सैंडस्टोन जो है हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इतने कम पड़ गए यार। तो यहाँ से भी हमें क्या करता हूँ, हाँ तो नहीं थोड़े इधर एक्स्ट्रा बना लेते हैं। हाँ नौ इतने इनफ हो गया यार, चलो 9 11 2 11 हो गए हमारे पास, इतने इनफ हो गए, इतने इनफ हो गए। और यहाँ पर सैंड डालकर देखते हैं कि सैंड ऊपर, नहीं सैंड ऊपर नहीं आ रही, तो यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, और चलते अपने सैंड चेस्ट हाउस में, और यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये सारा भी उठाना पड़ेगा हमें। हाँ तो इसको यहाँ से तोड़ देते हैं जल्दी, शवल नहीं होना यार, ऐसे ही होता है सारा काम बिगड़ जाता है शवल ना हो तो। यहाँ से इसको कलेक्ट कर लिया मैं, और ऊपर की साइड में जाता हूँ अभी, और देखेंगे ऊपर की साइड में। तो हाँ तो हमें यहाँ पर, ओ भाई कितनी ओपी वाली लैंडिंग की यार मैंने, तो यहाँ पर लगा देते इसको, और चलते आगे ये वाला सैंड स्टोन, और इधर लगा देते हैं इसको। तो इसका जो फाइनल लुक है गाइस वो कुछ इस टाइप का आ रहा है, और यहाँ से सारी कट सेंड कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो बीच में जो छोड़ा है ना मैंने, तो यहाँ पर इसके चेस्ट के बटन आएंगे। तो हम क्या करते हैं ना कि अभी मैं चलता हूँ अभी अपने कासल में, और वहाँ से सारे थोड़े बहुत ग्लासेस लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास ग्लासेस नहीं है, तो सैंड से, ये वाली सैंड से तो ग्लास नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए सिर्फ सैंड चाहिए। तो जल्दी से चलते अपने कासल में, और वहाँ से लेकर आते सारे ग्लासेस। और यहाँ पर तो नहीं हो गए, हाँ यहाँ पर तो नहीं है ग्लासेस, और चलते हैं जल्दी से अपने कासल में, और वहाँ से सारी की सारी ग्लासेस लेकर आ जाते हैं जल्दी से इसी जगह पर। तो फाइनली गाइस सारे ग्लासेस लेकर आ चुका हूँ मैं इसी जगह पर वापस, और हमें क्या करना है कि सारे, ये देखो सियान ग्लासेस में बना कर रखा था यार, क्योंकि हमने ऊपर लगाए थे जो हमारा वो बना था ना, जो हमने बाद में डेकोरेट किया था हमारे मॉडर्न हाउस को, तो उसको लगा था। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसे चारों और सारे ग्लासेस को लगाऊंगा, क्योंकि ऊपर से रोशनी आए, क्योंकि हम अगर से सारा ये लगा देंगे ना सैंड, तो हो सकता है अंदर क्रीपर वगैरह स्पॉन हो, मुझे वो नहीं चाहिए यार क्रीपर वगैरह स्पॉन हो। तो इसको सारा ग्लासेस से ढकेंगे, और बीच में थोड़ी बहुत सैंड लगाएंगे, जिससे कि लुक थोड़ा ठीक आएगा। जो आएगा लुक वो आएगा मॉडर्न हाउस की तरह ही आएगा यार वो। तो जल्दी से इसको यहाँ पर लगा लेते, और 28 ही ग्लासेस बचे हैं हमारे पास, ये 28 और 33 वाइट वाले, तो इसको जल्दी से लगा कर कंप्लीट करते। इसको एक लेयर पीछे के ले लेंगे, हाँ एक लेयर ये ले लेंगे यार, और इसको लगा देते यहाँ पर जल्दी जल्दी लगा देते। हाँ तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है इसकी एक लेयर, ओ भाई ये इसको तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से एक लेयर लगा देते इसकी जल्दी से। सो फाइनली गाइस हमारे पास ये सारे ग्लासेस ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि इसकी जगह पर मुझे वाइट ग्लास लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और वाइट ग्लास देखते हैं जितने, एक लेयर ही लेंगे वाइट ग्लास की, उसके बाद जो बीच में जो हमारे कॉलम्स बचते, बीच में जगह बचेगी ना,
वहाँ पर हम लगाने वाले सैंड जो कि कट सैंड होगी, तो उससे लुक भी थोड़ा ठीक आएगा। दो तरफ से लाइट होगी और एक तरफ से बीच में जो है ना वो अंधेरा होगा, तो वो भी थोड़ा लुक ठीक आएगा। बीच में हम लालटेन वगैरह लाकर लगा सकते हैं, और बस उतना ही लाकर लगा सकते हैं हम बीच में लालटेन वगैरह, और यहाँ पर इस सारी टॉर्चेस भी लाकर लगा सकते हैं, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ग्लासेस आएंगे तो इस टाइप के। हाँ, और बीच में जो आएगी वो सैंड आएगी, तो सैंड को भी कट सैंड हमारे पास दो स्टॉक है भाई, दो स्टॉक है, भर भर करे कट सैंड हमारे पास, दो तीन चार स्टॉक थे भाई। अब यहाँ पर लगाने के बाद जितनी बचेगी, तीन स्टॉक बचेगी बहुत हो गया। तो सैंड हमने आज बहुत ज़्यादा ला लिया यार, कोई नहीं। और यहाँ से क्या करते, इसको पहले फिल कर लेते जल्दी से, और ये फिल हो रहा है थोड़ा बहुत, और ऊपर से मुझे कुछ सेटअप करना है इसका, तो इसको सामने से पहले फिल करते जी। हाँ, तो थोड़े थोड़े से फिल करते इसको जल्दी, और इसके दो लेयर ही बचे सिर्फ। हाँ, दो लेयर ही बचे सिर्फ। तो देखो ना, किससे ये होगा कि चारों ओर रोशनी आएगी, और जो होगा ना कि बीच में सिर्फ अंधेरा होगा, यानी कि ये इस टाइप का होगा। हम जो सारा डालते ना भाई, तो अभी से ही क्रीपर वगैरह और स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते। तो ये ठीक है, यहाँ से कहीं से गिलास तो नहीं छूटा ना भाई। हाँ, नहीं छूटा कोई जगह। और ऊपर से इसको चेस्ट का बटन बना देते जल्दी से। हाँ, यहाँ से इतना तो इसको फिल करते थे। सोच रहा हूँ यार कि सामने चेस्ट के बटन के सामने जो डोर होगा ना वो ठीक नहीं लगेगा यार, तो हाँ इसको बंद कर देते। जो डोर होगा ना उसको साइड से बनाएंगे, तो इसको बंद कर देते, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो इसको, हाँ तो ये ब्लॉक बराबर है क्या, देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये बराबर है, तो इसको बंद कर देते यार। नहीं, इधर से एक ब्लॉक ज़्यादा था, तो कोई नहीं, इसको बंद कर देते जल्दी, और देखते हम दूसरी वाली। तो यहाँ से तोड़ेंगे हम, देखते। हाँ, तो इसका इंटीरियर बीच का जो सेंटर होगा इसका ये होगा, और इसको बंद भी कर देंगे हम बाद में, टेंशन ना लो। तो इस तरीके से बंद कर देंगे इसको, और ऊपर से बटन्स लगा देंगे कुछ, दो तीन। हाँ, तो चेस्ट का लुक कुछ इस तरीके से आता है ना, तो अभी इसको ऊपर से देखते लगा कर कि थोड़ा वो ठीक आ रहा है या लुक क्या नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है, किसी आदमी का मुंह लग रहा है यार, ये नाक वगैरह लग रही है, तो इसको यहाँ से बंद कर देते, देखते फिर इसका लुक कैसा आता है। तो अभी भी थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है, मगर सामने की निकालना ही पड़ेगा यार मुझे, और ऊपर एक लेयर भी लेनी पड़ेगी, ऊपर एक नहीं दो लेयर लेनी पड़ेगी। तो जल्दी से फटाफट से क्या करते हैं, हम साइड से दरवाज़ा बना देते हैं डोर, और ऊपर चढ़ते जल्दी से। हाँ, तो सैंड कट सैंड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसको सैंड लगा कर चढ़ेंगे हम ऊपर, और चल आ गए हम ऊपर। और यहाँ से क्या है ना कि मुझे दो लेयर लेनी पड़ेगी, हाँ दो लेयर लेनी पड़ेगी, तो गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है, मोबाइल हीट गया हो गया मेरा। और यहाँ से तो इसको फटाफट से है ना कि इसके ऊपर दो ही, हाँ बस एक ही लेयर लेंगे हम। तो इसको यहाँ से, चलो कोई नहीं, फिल करते चलते इसको। और हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हो गए हमारे पास, मगर साइड में दिख गया मुझे। और यहाँ पर लगा देते इसको सारा, और सामने से है ना। हाँ, तो सामने से भी लुक कुछ ठीक आएगा इसका, जो कि ऊपर हमने लगा रखा है ये। और ऊपर से मैं एक और एक ब्लॉक बढ़ाकर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक और एक फ्लोर बनाऊँगा चेस्ट के लिए, क्योंकि ऊपर सारा नेदर का आइटम्स रहेगा और कुछ नहीं। तो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, यहाँ पर सैंड है हमारे पास बहुत ज़्यादा सैंड है भाई, और इसको लगा देते हैं जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पर कंप्लीट, हाँ कंप्लीट तो हो चुका है हमारा ये वाला सैंड का चेस्ट हाउस, और इसको तोड़कर नीचे चलते हैं, इसको फाइनल लुक देना है सिर्फ हमें और कुछ नहीं। तो चलते हैं जल्दी से नीचे, और इस साइड से डोर बनाएंगे ना हम, 3 4 5 6 10 11 12 13, हाँ तो 12, तो हमें 6 यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तो हमें 6 ब्लॉक का गैप रखना पड़ेगा, तो इतना डोर ठीक रहेगा हमारे लिए।
और यहाँ पर इसको कवर लग डाब देते पहले, और यहाँ से जो है ना डोर आएगा हमारा, और फाइनल लुक मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारे चेस्ट हाउस का। तो फाइनली हमारा सैंड वाला चेस्ट हाउस बन के तैयार हो चुका है। तो गाइज यार जिसको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो जो भी कर सकते हो यार चैनल के बटन को तोड़ दो, फोड़ दो सब्सक्राइब के बटन को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका सपोर्ट बनाए रखना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से पहले ये हटा देते हैं, नाक दिख रही है भाई किसी की, तो नहीं भाई बुरा नहीं लगना हमें, किसी को बुरा नहीं कहना हमें। तो यहाँ पर जो है ना फाइनली चेस्ट का लुक ऐसे आ रहा है, और नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम उसमें बनाने वाले आयरन फार्म। तो नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए तैयार रहना, एंड थैंक यू।